चुके हुए हैं अलीपुर से तकरीबन 3 घंटे का फासला है, सिंगल रोड है, ट्रैफिक थोड़ी रफ है, तो ध्यान से आपको आना होगा, ड्राइव केयरफुली। इसके अलावा रास्ते में हमारे सैंडस्टॉर्म आया था, तकरीबन इसका रकबा जो है 8,000 किलोमीटर है, ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे 2010 में बहुत बड़ा सैलाब आया था जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ था मकामी आबादी को, एंड यहाँ पे कुछ भी करने को नहीं है, खाने पीने के ऑप्शंस कम हैं, घूमने फिरने के ऑप्शंस कम हैं। तो आप इस तरह करें, अगर आपका यहाँ पे कभी आना हो तो अपने मोबाइल में मूवीज़ वगैरह सीज़न वगैरह डाउनलोड करके रखिएगा, यही बेहतरीन टिप दे सकता हूँ मैं यहाँ के लिए। तो देखते हैं बाकी शाम को रात को क्या करना है हमने, शाम तो होगी है, रात को देखते हैं क्या बनता है साथ का। हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, 10 किलोमीटर का तकरीबन फासला है। महबूब सुभानी साहब का मज़ार है यहाँ पे आपने कार पार्किंग वगैरह करनी है, और जब यहाँ पे मेला वगैरह लगता है, उर्स वगैरह लगता है, तो काफ़ी ज़्यादा रश वगैरह ऑब्वियसली हो जाता होगा। ये शम्स महल है, फिर आप उस साइड पे जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ से आप सीधा अंदर एंटर होते हैं, और एंटर होने के बाद वहाँ पे बाज़ार है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी अनमोल चीज़ें और गिफ्ट वगैरह होते हैं, तो वो अपने लेने और लेते हैं, फिर हाजिरी देते हैं वहाँ पे उनके पूरे अबाउदाद वगैरह की कपड़े वगैरह हैं। सो आप आएँ, लेट्स सी कैसे फाइंड आउट होती, कैसी चीज़ें शेप अप होती हैं यहाँ पे। गर्मी काफ़ी, और ये एरिया गर्मी की वजह से बहुत मशहूर है, गर्म और दरफेज दोनों, और प्लीज़ मास्क जरूर पहन के रखिएगा। मूल शरीफ में आए हुए हैं, महबूब सुभानी साहब के मज़ार पर आए हुए थे, तो ये बाज़ार है, यहाँ पर गुजर रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे जगह हैं लोकल, जहाँ के जो खाने पीने वगैरह के बर्तन वगैरह होते हैं, फिर यहाँ के ट्रेडिशनल चूड़ियाँ और ये परांदे बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप काफ़ी तजार, यहाँ के कल्चर का जो हिस्सा है ना वो आमतौर पर परांदे हैं। हाँ। अच्छा, ये तकरीबन उच शरीफ से जब आप एंटर होते हैं तो तकरीबन यहाँ से मुश्किल से 5 से 6 किलोमीटर का फासला है, और यहाँ के लोग बहुत अकीदत रखते हैं इन चीज़ों से, मज़ारात से, बुज़ुर्गों से, होनी भी चाहिए, हर एक को होनी चाहिए। अच्छा, उच शरीफ इट्सेल्फ कोई मज़ार नहीं, आमतौर पर पहले मैं समझता था कि उच शरीफ जो है वो एक खुद एक मज़ार का नाम है बताते हो, लेकिन नहीं, यहाँ पे काफ़ी सारे मज़ारात हैं जिसकी वजह से उच शरीफ बहुत ज़्यादा मशहूर है, और पूरी दुनिया से नेशनल इंटरनेशनल जब भी इनके ये उर्स वगैरह होते हैं तो लोग यहाँ पर आते हैं। अच्छा अंकल जी, ये कौन सा मज़ार है थोड़ा बारे में? महबूब सुभानी जी। आप कितने अर्से से यहाँ पे हैं? अच्छा, यहाँ पे आपका घर था और ये पूरा मज़ार आपका इस साइड पे, आप शुरू से काम कर रहे हैं जी। और कभी किन का मेला लगता है? ये चैत्र में। चैत्र में? हाँ चैत्र है ना, चैत्र मतलब सावन के बाद। अच्छा। और अंकल जी, ये मज़ार, इसके अलावा कितने मज़ार हैं साइड पे? यहाँ तो 1.25 लाख की है। 1.25 लाख की मस्जिद? हाँ। अच्छा, मुल्तान से ये बराबर है। 1.25 लाख पी रहे हैं? हाँ। अच्छा, तो मज़ार तो नहीं है सब? वहाँ जाएंगे ना, बहुत मज़ा है। सैयद जलाल। हाँ। अच्छा, और यहाँ पे किन के ये बाजदाद वगैरह हैं यहाँ पे जी? यहाँ पे ये सुभानी साहब के, ये इनके मज़ार पे किन के हैं? कहाँ के? हाँ ये तो गिलान से आए हैं ना। अच्छा, ये गिलान से आए हैं ना, यहाँ गिलान से यहाँ पे मदफन हुए होंगे। सही। और ये कितना पुराना ये जो है बाजार? बाजार बहुत पुराना। कितने साल पुराना? हमारे पैदे से पहले, मतलब सदियों से। हाँ। सदियों से ये बाजार चल रहा है। सही। और अंकल जी, यहाँ की मशहूर चीज़ क्या है? ये खाने मज़ार खड़ा है। हाँ जी। ये दादा है, ये यूसुफ रज़ा गिलानी के दादा।
My